आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज डेस्क का सच दिखाते हम। मैं ईशा नरवाल। आज खबर डग से। हरियाली अमावस पर दर्शन हेतु उमड़ा जनसैलाब। श्री कायनेश्वर महादेव के आश्रम मंदिर में श्रावण मास के पावन महीने में दर्शन हेतु दूर दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं। वहीं हरियाली अमावस पर भक्तों का दिखा जनसैलाब। आज सुबह से ही भक्तों द्वारा ओम नमः शिवाय बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए क्यासरा श्री कायनेश्वर महादेव मंदिर पहुंच दर्शन कर रहे हैं। आस्था स्वरूप आसपास से लगे गांव से महिलाएं, बच्चे व पुरुष पैदल ही दर्शन हेतु क्यासरा महादेव मंदिर जा रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि श्री कायनेश्वर महादेव शिवलिंग हर वर्ष तिल की भाटी बढ़ते हैं, जो कि एक आस्था का स्वरूप है। ओम आकृति में स्थित क्यासरा महादेव मंदिर, जहां इस पावन महीने में दूर दराज से लोग दर्शन हेतु आ रहे हैं, वहीं ग्राम पंचायत डग द्वारा सावन मास के पवित्र त्यौहार हरियाली अमावस के अवसर पर महादेव मंदिर क्यासरा जाने वाले पैदल श्रद्धालुओं के लिए नवीन पंचायत भवन पर डग सरपंच प्रतिनिधि शंभु सिंह मंडलोई व बजरंग दल नगर संयोजक दिलीप सिंह मंडलोई ने फरियाली अल्पाहार भंडारा रखा गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं उप सरपंच सुरेश कुमावत काका ने बताया कि भंडारे में ज़्यादा भीड़ नहीं हो, इसका पूरा ध्यान रखा गया। इसके लिए एक के बाद ही दूसरे जगते को प्रवेश दिया गया। इस अवसर पर डग सरपंच प्रतिनिधि शंभु सिंह मंडलोई, उप सरपंच सुरेश कुमावत काका, बजरंग दल नगर संयोजक दिलीप सिंह मंडलोई, वार्ड पंच दिलीप सोनी, दिलीप खटीक, दीपक खटीक, शंकर लाल राठौर, महेश सोनी, घनश्याम वाशरमैन, गुमान सिंह, रमेश मेहर, आशीष प्रधान, समाज सेवी प्रभुलाल जैन सालेजा, मेघवाल जैन, नारू मेहर, पंचायत सहायक संतोष नाथ योगी, मंगलेश शर्मा, नारायण व्यास, दिलीप हरिजन, विशाल हरिजन आदि मौजूद रहे। संवाददाता अतुल प्रधान की रिपोर्ट।